हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल राधे कृष्ण क्लासेस। सो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ है उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आने हैं, जिन भी यूनिवर्सिटी में ये एक माइनर सब्जेक्ट है, चाहे वो बीए बीएससी बीकॉम कोई भी लिए हो स्ट्रीम से हो, और जिनके लिए ये ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ एक माइनर सब्जेक्ट है, उनके लिए ये भी आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम इस पूरे सब्जेक्ट के अलग अलग यूनिट्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आज का ये जो हमारा वीडियो है ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जिसको बीयू झांसी के नाम से जाना जाता है, इस यूनिवर्सिटी के लिए हमने ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आइए हम इस वीडियो के बारे में अब हम थोड़ा समझते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा फर्स्ट यूनिट है, दिख रहा होगा आपको ये यूनिट नंबर वन, इकाई वन जिसको बोला जा रहा है। तो आइए हम इसके विषय में आज हम और भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टॉपिक का नाम है मानव मूल्य यानी ह्यूमन वैल्यूज़, इस पर हम ये वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो आइए हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मूल्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आपके सामने जो भी इसका आंसर होने वाला है वो है मूल्यों की संख्या 4 होती है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, नैतिक मूल्यों को महत्व दिया है। इसका आंसर हो जाएगा आदर्शवाद या आइडलिज्म ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका शुभ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। इसको इंग्लिश में देखेंगे तो गुड विल पावर इज नीडेड, इसकी किसके लिए आवश्यकता होती है, किसके लिए नीडेड होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक मूल्यों से मोरल वैल्यूज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मूल्यों की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य एवं ज्ञान के चयन के मानक के रूप में सांस्कृतिक एवं धार्मिक आचरणों के लिए जीवन की आवश्यकताओं के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा आखिरी ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दी अबव। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मूल्यों की प्रकृति होती है क्रियात्मक या व्यवहारिक। सेकेंड ऑप्शन है भावात्मक संवेदनाएं। थर्ड ऑप्शन है आपका उपरोक्त दोनों ही, और नेक्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए सामने दिख रहा होगा, बालक जन्म से ही विशुद्ध होता है यह कथन किसने दिया था। तो बालक जन्म से ही विशुद्ध होता है यह कथन जो दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, रूसो ने दिया था। यानी ए चाइल्ड इज प्योर फ्रॉम बर्थ, हु मेड इज दिस स्टेटमेंट। तो ये कौन सा हो जाएगा, रूसोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए, यानी विद्यालय में, परिवार में, धार्मिक संस्थाओं में, सभी में ये मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी वैल्यूज़ आर टॉट इन स्कूल इन अ फैमिली इन अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑल ऑफ दी अबव में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मूल्यों की आवश्यकता एवं उपयोगिता को किसने महत्व दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, यथार्थवाद यानी रियलिज्म यानी यथार्थवाद ने इसको बहुत ज़्यादा उपयोगिता को इसकी महत्व दिया है। नेक्स्ट हो जाएगा मूल्यों को स्वीकृत प्रदान की जाती है यानी वैल्यूज़ आर अप्रूव्ड बाय किसके द्वारा, ऑल ऑफ दी अबव के द्वारा, यानी उपरोक्त सभी के द्वारा, दार्शनिक विचारधारा पर, सामाजिक आदर्शों एवं मान्यताओं द्वारा, सांस्कृतिक लक्षणों द्वारा, इन सभी पर इसके लिए विशेष स्वीकृति प्रदान की जाती है। दी वैल्यूज़ आर अप्रूव्ड बाय फिलोसोफिकल आइडियोलॉजी, सोशल आइडल्स एंड वैल्यूज, थ्रॉट, कल्चर, ट्रेट, ऑल ऑफ दी अबव के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, सत्यम शिवम एवं सुंदरम क्या है। शिक्षा के अंतिम लक्ष्य, शिक्षा के मूल्य और जीवन के श्रेष्ठ आदर्श और उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी अबव, इस सबके लिए बहुत ज़्यादा
सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएंगे, क्योंकि जो सत्य है वही शिव है और शिव है वही सुंदर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, विभिन्न मानवीय मूल्य अच्छे या सही प्रतीत होते हैं, इसका कारण है, इसका कारण क्या रहेगा? इसका कारण हो जाएगा सकारात्मक भावना, आंतरिक प्रसन्नता, प्राकृतिक स्वीकृति, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मानवीय मूल्यों के लिए आवश्यक क्या है? मानवीय मूल्यों के लिए क्या आवश्यक होता है? तो मानवीय मूल्यों के लिए आवश्यक है जीवन के साथ, एक दूसरे के साथ, प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना। यानी ह्यूमंस आर वैल्यूज आर एसेंशियल फॉर लिविंग इन हारमोनी विद सेल्फ ईच अदर एंड नेचर। यानी स्वयं के साथ, एक दूसरों के साथ तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेटिव्स बने रहना। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के इच्छुक व्यक्ति होंगे। सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के इच्छुक व्यक्ति कौन होंगे? ये हो जाएंगे आपके सामाजिक एवं पारिस्थितिक रूप से अधिक उत्तरदायी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर है आपका, स्वयं की मूल क्षमता के रूप में जानी जाती है। स्वयं की मूल क्षमता के रूप में क्या जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पावर, यानी पावर। द बेसिक कैपेसिटी ऑफ सेल्फ इज नोन एज पावर। किसके रूप में जानी जाती है? पावर के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के इच्छुक व्यक्ति होंगे, कौन होंगे? सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के इच्छुक व्यक्ति कौन हो सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, तो सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के इच्छुक व्यक्ति कौन हो सकते हैं? सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के जो भी इच्छुक व्यक्ति होते हैं वो कौन हो सकते हैं? वो हैं आपके सामाजिक एवं पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार, ये सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के इच्छुक व्यक्ति होते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? विवेकानंद के दर्शन को सामान्यता के रूप में जाना जाता है। तो विवेकानंद जी के दर्शन को सामान्यता किस रूप में जाना जाता है? उसे जाना जाता है व्यवहारिक वेदांत के रूप में, उनके इस दर्शन को जाना जाता है। किसके रूप में? व्यवहारिक वेदांत के रूप में उनके इस दर्शन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यह किसने कहा हुआ था? तो ये कहा हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ये बात कही थी कि जो विवेकानंद हैं वो आधुनिक भारत के निर्माता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से उनके पहले सम्मेलन में क्या प्रश्न पूछा हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रश्न पूछा हुआ था। तो इसका हो जाएगा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उन्होंने पूछा हुआ था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के और अमेजिंग वीडियोज़ को जानने के लिए, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच।